एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 आज का टॉपिक मैप रीडिंग है, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और विनर वही होगा जिनका 30 में 30 सही होगा, और सबका 30 में 30 परफेक्ट होना चाहिए। बाकी आपको एनसीसी का सारा डाटा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल करा दिया हूँ। तो प्ले स्टोर से सर्च करके सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी अपने जूनियर सीनियर बैचमेट के लिए एनसीसी ग्रुप में ऐप का लिंक और इस क्विज टेस्ट का लिंक दोनों शेयर कर देंगे, ताकि बाकी लोग भी पढ़ें। बुक्स परचेज नहीं करना है, बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ नवंबर सेकेंड या थर्ड वीक से अवेलेबल होगा, तब आप ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए हैं सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, तो टाइम से रेगुलर क्लास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 8 प्रकार का। एक क्वेश्चन के लिए काउंट करके आपको 10 सेकंड टाइम मिलेगा, उतने में ही आंसर देना है। करेक्ट आंसर, मानचित्र 7 प्रकार का होता है, और अभी कहीं कहीं 6 प्रकार भी पढ़ाते हैं, तो दोनों लोग सही है, 7 और 6 वाले। सेकंड, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू कलर का। थर्ड, उत्तर कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 4, 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3। फोर, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। फिफ्थ, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईट भट्टा। ये किसका कन्वेंशनल साइन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिजली का तार। सिक्स, मानचित्र में RF का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। सेवन, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 360 डिग्री तक। बॉक्स CH चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस। नाइन, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाल रंग से। टेन, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेड ग्राउंड। 11, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग लाइन,
नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ईस्टिंग लाइन। 12 रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट, कंट्रोल चार्ट, ग्रोथ चार्ट, डे मार्च चार्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नाइट मार्च चार्ट। 13 सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रिगेड। 14 कौन सा लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउथिंग लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉर्दिंग लाइन। 15 मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? दोस्त की, परिवार की, शत्रु की, सेना की। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रु की। 16 मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? दो प्रकार से, तीन प्रकार से, चार प्रकार से, पांच प्रकार से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तीन प्रकार से। 17 सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच एवं 3 इंच, 5 इंच एवं 2 इंच, 6 इंच एवं 4 इंच, 6 इंच एवं 2 इंच। लेंथ एंड ब्रेथ बताना है सर्विस प्रोटेक्टर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा। 18 ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोर। 19 जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन का, नॉर्दिंग लाइन का, ईस्टिंग लाइन का, ग्रिड लाइन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ईस्टिंग लाइन का। 20 हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? 12 डिग्री तक, 8 डिग्री तक, 1 डिग्री तक, 19 डिग्री तक। हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 19 डिग्री तक। 21 कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? वास्तविक उत्तर को, चुंबकीय उत्तर को, मानचित्र के उत्तर को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चुंबकीय उत्तर को। 22 उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 45 डिग्री। 23 सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा, ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, ग्रिड रेखा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्रिड रेखा। 24 170 डिग्री का बैक बेयरिंग कितना डिग्री है? 3600 डिग्री, 250 डिग्री, 90 डिग्री, 350 डिग्री। एक सौ सत्तर डिग्री का बैक बेयरिंग कितना डिग्री है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 350 डिग्री। 25 मैग्नेटिक बेयरिंग किसके थ्रू मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर से, स्केल से, हाथ से, कंपास से। मैग्नेटिक बेयरिंग किससे मापी जाती है? टोटल 30 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंपास से। 26 उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 360 डिग्री पर। 27 मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वनस्पति के लिए। 28 यदि बेयरिंग 17 डिग्री है तो बैक बेयरिंग कितना होगा? 163 डिग्री, 187 डिग्री, 263 डिग्री, 197 डिग्री। यदि बेयरिंग 17 डिग्री है तो बैक बेयरिंग कितना होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 197 डिग्री। 29 नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रिड, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, कंटूर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंटूर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापा जाता है? कंपास के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, स्केल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। अपना अपना स्कोर बताइएगा, 30 में कितना सही किया कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास FCBC का MCQ होगा, रोज शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो टाइम से सभी लोग क्लास करेंगे और पढ़ के आएंगे। सारा बेस्ट डाटा आपको तेजस NCCERMY ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है। सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक क्विज टेस्ट का आप लोग अपने अपने NCC ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और तेजस NCCERMY ऐप का भी, ताकि बाकी क्रेडिट्स भी अच्छे से पढ़े। ऐप पर MCQ थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज और ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा आप लोग गूगल पे ये सर्च करके पढ़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे और जो लोग इंस्टा यूज करते हैं इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। बुक्स परचेज नहीं करना है क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स PDF नवंबर 2nd या 3rd वीक से अवेलेबल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, तब आप PDF ले लेंगे। रेगुलर क्लास कीजिएगा, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और रेगुलर पढ़ के आइएगा। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।